पत्रकारिता करते हुए या यूं कहिए कि न्यूज चैनलों में काम करते हुए 16 साल हो गए हैं। कई चैनलों में काम किया, न्यूज नेशन में 2012 में आया, न्यूज नेशन से जुड़ा 2012 में, 2014 में लखनऊ आ गया, यहां रिपोर्टिंग करने लगा। तो 8 साल तो लखनऊ में भी हो गए और 10 साल न्यूज नेशन के साथ तो हो ही गए। तो अभी जो हालात हैं पिछले 2-4-5 सालों से वो बड़े भयावह हैं। अब पत्रकार कहने में शर्माती है अपने आप को, रिपोर्टर कहने में शर्माती है। अब तो नौकर हैं, न्यूज चैनल की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत ज्यादा इनफ हो गया है और हो नहीं पाएगा। पेट के लिए इस जमीर को, जो अंदर का जमीर है, उसे कब तक मारेंगे? या फिर लग रहा है कि ये पूरी तरह से मर जाए जमीर, उससे पहले बचा लिया जाए इस जमीर को मरने से, क्योंकि जमीर मर गया तो शायद स्वयं भी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मसला ये है कि न्यूज नेशन में साफ इंस्ट्रक्शन है रिपोर्टर्स को, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मोदी योगी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, भाजपा के किसी नेता के खिलाफ नहीं बोलना है। मन कर रहा है बोलने का किसी के खिलाफ या उसकी पॉलिसीज के खिलाफ, उसकी कार्यकलापों के खिलाफ, या उसका सच्चाई बोलने का बहुत मन कर रहा है। तो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, इन सबकी जितनी चाहे उतनी बैंड बजाओ, तो मतलब ऊपर बैठे जो संपादक कहना अपमान होगा संपादकों का, जो चंपादक बैठे हुए हैं उनकी तरफ से भी बड़ा प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, लहालोट होते हैं कि क्या शानदार रिपोर्टर है, विपक्ष की बैंड बजा रहा है। जो रेवेन्यू मिल रहा है ना सरकार से, 17-18 करोड़ रुपये जो साल का मिलता है, उसकी वजह से न्यूज नेशन और उसका दूसरा जो रीजनल चैनल है न्यूज स्टेट, योगी मोदी के कुछ नहीं बोलना है इनके खिलाफ। बोलोगे तो सजा मिलेगी, मेल आएगा, नौकरी पे खतरा हो जाएगा, ये फलाना ढिमकाना। न्यूज 18, TV9, नवभारत टाइम्स, इंडिया टीवी, जी न्यूज, ये तो बदनाम है। असली चैनल देखना ना, न्यूज नेशन कभी देख लेना। दिन रात हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, रिपोर्टर से कहा जाता है क्या स्टोरी कर रहे हो, बताओ कि कहीं घोटाला हो गया, इसको करना है, किसी विभाग में हो गया है, किसी मंत्री ने कुछ बोला है, उसमें क्या रखा, उसमें नहीं करना है, कुछ और बताओ, हिंदू मुस्लिम लाओ। रोज मुसलमान नहीं कहा जाता, मुल्लों की स्टोरी लाओ यार, मुल्लों को पकड़ो, जाओ मुनव्वर राणा से कुछ बुलवाओ विवादित, देखो उस मुसलमान ने क्या बोल दिया, मदरसे में क्या हो रहा है, फलाने धर्मगुरु मुस्लिम ने क्या बोल दिया, यानी मुस्लिम बेस्ड स्टोरी लाओ और उनसे कहलवाओ, जबरदस्ती स्टोरी क्रिएट करो। कहां तक मुस्लिम पकड़े, कहां तक मुस्लिम पकड़ पकड़ के लाए, तुम्हारा चैनल चलाएं, सरकार का एजेंडा चलाएं। तो गुरुजी अब हो नहीं पाएगा, अब चला चली की बेला लग रहा है आ गई, अपना चैनल आप करो, क्योंकि ये अब ये रोज हिंदू मुस्लिम वाली स्टोरी, हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा हो नहीं पाएगा। सरकार में इतना भ्रष्टाचार है, उस पर आप लोगों ने बिल्कुल बैन लगा दिया है कि बोलना नहीं है सरकार के खिलाफ, उसकी किसी पॉलिसी के खिलाफ, गलत पॉलिसी के खिलाफ नहीं बोलना है, सच्चाई नहीं बोलनी है, झूठ बोलना है, खड़े होकर लाइव में रिपोर्टिंग करना, लाइव में झूठ बोलना है, सारा दोषारोपण अपोजिशन की पार्टियों पे करना है, मायावती पे करना है, अखिलेश यादव पे करना है, राहुल गांधी पे करना है, प्रियंका गांधी पे करना है, कब तक झूठ फिर बका जाए, बोला जाए, बेचा जाए? ठीक है पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लग रहा है कि जमीर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज नेशन के संपादकों, संपादक इसलिए नहीं कह रहा तुम लोगों को, संपादक कहना, संपादकों जो संपादक, ये वर्ल्ड है, बहुत बड़ा वर्ल्ड है, ये बड़ा शब्द है, उसकी बेइज्जती होगी, तुम लोग चंपादक हो, सरकार ने तुमसे तुम लोग करने लगे, तुमने कहा कि ये हाल है न्यूज नेशन ग्रुप का। तो पूरी तरह ये अपने पत्रकारों को आना चाहते हैं, बहुत से पत्रकार हैं न्यूज नेशन में अच्छा करना चाहते हैं लेकिन नौकरी की मजबूरी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं अच्छा, या उनको तमाम बंदिशें हैं, पाबंदियां हैं, लेकिन दोस्तों मैं अपने आप को इन पाबंदियों से आजाद करना चाहता हूं, आजाद कर रहा हूं,